फ्रेंड वेलकम बैक, मैं हूं आपका मैं राजवीर राज, आपके सामने MT-15 जो कि आपको दिखाएंगे बटर बफेलो वाइजर के साथ। लास्ट वीडियो आपने हमारी देखी थी जिसमें कलर कॉन्सेप्ट लिया गया था, वो था स्काई ब्लू और आपका ब्लैक, बट ये है पूरा मैट के अंदर, क्योंकि गाड़ी का जो कलर ना वो ज़्यादातर मैट और सिल्वर किया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये मैट इसके अंदर ज़्यादा अच्छा लगा है। आप देख सकते हैं लुक इससे काफ़ी एनहेंस हो चुकी है लगने के बाद, देख सकते हो। इसे कहते हैं बफेलो वाइजर, जो कि आपका लगा देगा प्रॉपर फिटमेंट के साथ। लुक चेकआउट कर लो इसकी किस तरीके से आ रही है, और ये अपने किसी भी यामा MT-15 के मॉडल के अंदर आप लगा सकते हो, इजीली आपका इंस्टॉल्ड हो जाता है। और साथ में आप देख सकते हैं ये जो आप दिख रही है ना आपको, ये इसकी 70 वाली रैपिंग, ये भी इसके अंदर कर दी गई है पूरी गाड़ी के अंदर, जो कि आपको देखने मिलेगा। जहाँ जहाँ ब्लैक पार्ट था ना वहाँ का पोर्शन लेगा, ये ब्लैक तय कर दिया गया है, ये आपका ब्लैक तय कर दिया गया है, और आपका ये देख सकते हैं ये आपका ब्लैक था ये कर दिया गया, इधर आपको ब्लैक था देखने को मिलेगा ये भी इसका कर दिया गया, और इसी तरीके से आपका इधर भी सेम वही कर देगा 70 रैपिंग, जो कि लुक चेकआउट करो क्या अल्टीमेट निकल कर आ रही है इसे लगने के बाद। साथ में आपको देखने मिलेगी इसके अंदर, देख सकते हैं ये इसकी आई डिजाइनिंग जो कि आप देखने मिलेगी कुछ इस तरीके से। साथ में आपको मिलेगी रिंग लाइट जो कि रेड कलर लगा देगी, कलर आप चाहो तो इसमें कोई भी ले सकते हो। इधर आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर रिंग लाइट, जो कि लुक चेकआउट कर लो रेड कितनी डिसेंट लग रही है इसमें लगने के बाद। और नीचे आपको दिखाऊंगा तो देखने मिलेगा आपको इसके अंदर, देख सकते हैं ये इसकी शॉकर प्रोटेक्शन, ये इसका फॉक्स राइडर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए। इसे लगाने के बाद तो लुक तो बढ़ी जाती है, साथ में ना आपको मिलते फुल सेफ्टी आगे से, बोले तो मरघाट सेफ हो गया। इधर आपको देखने मिलेगा शॉकर, जो कि ये भी आपका सेफ हो गया, क्योंकि ये होता है USD शॉकर, और अगर जो शॉकर पर कुछ भी लगा तो बहुत मोटा खर्चा आया था USD शॉकर चेंज कराने के अंदर। और इससे आपकी ABS प्लेट, डिस्क प्लेट और ये शॉकर नीचे का ये होता है पूरी तरीके सेफ। सेम इधर सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, और गोल्डन कॉन्सेप्ट इसलिए लिया जाता है कि गोल्डन होता है आपका शॉकर, तो इसको मैच कर दिया जाता है इससे, जिससे इसकी लुक काफ़ी एनहेंस हो जाती है। साथ में मिलेगा इधर व्हील कवर, जो कि फुल वाले व्हील कवर है ये इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। लुक आप देख ही लो क्या अल्टीमेट निकल कर आ रही है लगने के बाद। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर देखने मिलेंगे इसके विंग्स मिरर, ये देख सकते हैं विंग्स मिरर, जो कि विंग्स मिरर हैं, ये भी वैसे तो मैट कलर के आते हैं बट मैट की जगह इस पर आप देख सकते हैं ये भी 70 रैपिंग कर दी गई है। और ये देखो लुकिंग देखो भाई सब इसकी अल्टीमेट, और इसके अंदर व्यू भी ना काफ़ी नज़र आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नज़र नहीं आ रहा है। और ये वही वाले मिरर हैं विंग्स मिरर, योक फिटिंग प्रॉपर वाले, जो कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग जो चलते हैं वही वाले मिरर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। साथ में आपको मिलते देख सकते हैं ये इसके मास्टर अंडर कैप, ये देखो चाबी ऑन करते ही इसके अंदर रेड आपकी लाइट है वो इसके अंदर ऑन हो जाती है, और इससे लुक काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है लगने के बाद। नॉट फॉर यूज है ये, जस्ट फॉर लुकिंग है, जो कि आपको देखने को मिलेगी। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे भैया लगाया किस लिए, सिर्फ और सिर्फ लुक को इनहेंस करने के लिए लगाया गया है, वैसे ये नहीं लगाया गया उस किसी चीज़ के लिए। साथ में को देखने मिलेंगे KTM चालू इंडिकेटर, ये देखिए ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। साथ में हैजार्ड भी है, KTM इंडिकेटर विद हैजार्ड, ये आपको मिलता है विद हैजार्ड, जो कि लगा देंगे आपके KTM स्टाइल वाले इंडिकेटर फ्रंट में भी, और सेम मिलेगा आपको बैक साइड में भी, देख सकते हो बैक साइड में वही सेम इंडिकेटर लगा दें जो आपके आगे लगे हुए थे। और अब इसके बाद दिखाता हूँ आपको लीवर गार्ड, जो कि इसके अंदर लगा दिए गए लीवर गार्ड, ये देख सकते हो ये है लीवर गार्ड, जो कि गोल्डन और कार्बन की मैचिंग के हैं। इससे आपके लीवर और हैंड दोनों होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, सेम इधर मिलता है सेम मिलता है आपको इस तरफ, और इससे लुक काफ़ी ज़्यादा बल्किनेस हो गई सब कुछ लगाने के बाद आगे से। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इसके अंदर लगाइए आईज हैजार्ड, जिससे आपका आईज़ का भी हैजार्ड ऑन हो चुका है। इसके अंदर पैटर्न्स होते हैं अलग अलग, देख सकते हो आप कोई भी पैटर्न इसके अंदर आप लगा चला सकते हो अलग अलग तरीके से। बटन इसका होता है छोटा सा, जो कि हैंडल पे फिट हो चुका है इसके अंदर। और आपने लुक देख ली फ्रंट से, अब आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, ये है इसका की कवर, जो कि यामा की ब्रांडिंग है, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। और इधर आपको देखने मिल जाएगा, देख सकते हैं ये इसका क्रैश गार्ड, जो कि फुल बॉडी क्रैश गार्ड है, इससे इंजन वगैरह होता है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, और ये होता है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी, लो क्वालिटी में मैं आपको चेकआउट कर रहा, प्रीमियम कैसे किसे कहते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं ना कि प्रीमियम की क्वालिटी कैसे पता लगती है, मैं बताता हूँ कैसे पता लगती है। ये देखो ये मैं खड़ा हो गया इसके ऊपर, समझिए आप, इसे कहते हैं प्रीमियम क्वालिटी, जो कि हर कोई चेक नहीं कराएगा, क्योंकि ये हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे खुद की फैक्ट्री बनते हैं, इसीलिए हम इसकी आपको बिल्डनेस चेक करा रहे हैं कि किस तरीके के आपके ये लगे हैं इसके अंदर क्रैश गार्ड, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा कुछ तरह। इसमें डिज़ाइन एक और आता है जो कि लॉन्ग वाला होता है, बट ये शॉर्ट वाला है, जिससे इंजन वगैरह होता है पूरी तरह कवर। और अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर बैक साइड के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर टॉप रैक, जो कि लगा देगा बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का टॉप रैक है, ये इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा। इसे लगाने में कहीं भी आप इजी टू राइड कर सकते हो, इसके अंदर कोई सा भी आप टॉप बॉक्स वगैरह लगा सकते हो, या फिर आपको सामान कैरी करना हो तो कुछ भी आप इसमें रख कर ले जा सकते हो कहीं पर भी। और ये आपको टूरिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है आपका ये वाला टॉप रैक।
बैक साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगी इसके अंदर टेल टैडी जो कि लगा दी गई, सीएनसी वाली टेल टैडी ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। लुक चेकआउट कर लो, इसकी ब्लैक गाड़ी तो ब्लैक ही लगा दी गई है, साथ में नंबर और फ्रेम जो कि मेटल वाला है ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। और उसके बाद आपको दिखाऊंगा बैक साइड के अंदर, देख सकते हैं ये इसका बॉडी लाइट्स जो कि लगा दी गई इंडिकेटर वाली, इसमें इंडिकेटर चलाएंगे तो आपका इंडिकेटर चलेगा और जब ब्रेक मारेंगे तो आपका हो जाएगा वाइट, सेम इधर और सेम हो गया आपकी इस तरफ, उसी तरीके से आपको देखने मिलेगा इसके अंदर। देख सकते हैं ये इसका रियर फुटरश जो कि लगा दी यामा की ब्रांडिंग वाला, आपका ओरिजिनल यामा MT-15 का। इधर आपको देखने मिलेगा साइड स्टैंड जैकेट जो लगा देगा, इससे लगाने से आपकी जो बाइक है वो स्टेबल खड़ी रहती है, कहीं भी स्किट्स वगैरह होने का खतरा हो जाता है ख़त्म, और आपका स्टैंड भी वैसे वो भी आपका घिसता नहीं है। और अब दिखाता हूँ इसके अंदर एग्जॉस्ट जो कि लगा देगा इसके अंदर, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, देख सकते हो आप एक्रोपॉपिक का बेसिक लगा दिया गया, फुल सिस्टम है, फ्रंट से लेके बैक तक पूरा चेंज कर दिया गया है, जो इसका ओरिजिनल एग्जॉस्ट है वो इसका निकाल दिया गया है और ये लगा दिया गया इसके अंदर। और अब मैं सुनाता हूँ इसकी साउंड, ये हो गई आपके आइडल पर, और अब दिखा देता हूँ इसमें थ्रोटल, काफ़ी ख़तरनाक साउंड है इसकी। और इसके अंदर ज़्यादा एग्जॉस्ट मैंने इसलिए चेक नहीं करा है क्योंकि सैटरडे का दिन था, तो ये जो गाड़ी रेडी थी अपनी छोटी शॉप पे रेडी हुई थी और अब तैयार होकर सुबह से काम चल रहे थे, अब जाके रेडी हुई है, तो ये यहाँ पर आई है बड़ी शॉप पर जहाँ पर इसकी वीडियो बनी है। अदरवाइज़ अगर यहाँ होती तैयार तो यहाँ मैं इसकी आपको और भी सिलेंडर चेक कराया था, वैरायटी बहुत सारी हो देख सकते हैं आप, वैरायटी की कोई कमी नहीं है हमारे पास, आप कोई सा भी एग्जॉस्ट के अंदर फिट करा सकते हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो मोटा हो पतला हो, सब हमारे पास मिल जाते हैं इसमें लगाने के लिए, चाहे एक्रा पब्लिक हो SC हो या वो आपका कोई और ब्रांड यशोमुरा वगैरह, सारे अपने पास अवेलेबल होते हैं। तो ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले राजू भाई एसकेडी को, जो कि मिलता है आपको यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। और हमारी शॉप की लोकेशन बहुत ही ईजी है, जब भी आप आते हो हनुमान जी की मूर्ति गोल चक्कर पर जनरल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट, वहाँ पर आपको आना है, और वहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, सीधा सिंपली एक अंदर मार्केट रास्ता है गफार के लिए करोल बाग के लिए, जैसे आप अंदर एंटर मारेंगे तो पहले ही चौक पर एक और शॉप देखेगी हमारी जहाँ मिलेगा आपको हनुमान जी की मूर्ति जो कि हमारी शॉप के बोर्ड पर लगी हुई है, बस सिर्फ फोकस करना आपको वहाँ पर, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर लोकेशन सब डली हुई है, आप चाहो तो व्हाट्सअप कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, वहाँ से आप चाहो तो लोकेशन मंगा सकते हो, लाइव करंट सब आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और कुछ मंगाना हो कहीं पर भी ऑल इंडिया, तो ऑल इंडिया डिलीवरी है, आप चाहो तो कॉल करके व्हाट्सअप करके वो भी आप मंगा सकते हो। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जश्न मिलते हैं, गुड बाय।